क्या होगा जब एक कपल गहरे जंगलों में हाइकिंग करने जाते हैं, मगर यहाँ वे पाते हैं कि कोई सीरियल किलर है जो कि लोगों को जान से मार रहा है। अब क्या दोनों किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल भी पाएंगे, और वो सीरियल किलर है कौन? इसी मिस्ट्री और जबरदस्त एंड ट्विस्ट वाली कहानी को चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत शादी के कुछ वीडियोज से होती है, जहाँ न्यूली मैरिड कपल क्लिफ और सिडनी अभी अपने हनीमून के लिए हवाई के कुछ जंगलों में ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। दोनों हेलीकॉप्टर से हवाई पहुंचते हैं, और चूंकि उन्हें आने वाले कई दिन जंगल में ही बिताने थे, तो वे जाने से पहले एक स्टोर पर कार रोककर वहां से खाने पीने का सामान और जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं। यहां दोनों ही काफी खुश, अपनी इस ट्रिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, मगर वे ध्यान नहीं देते कि पिछले कुछ समय से लगातार खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग इस एरिया में कपल्स को जान से मार रहे हैं। अब दोनों ही इन सब से बेखबर जंगल के अंदर ड्राइव करके जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई भी मिलती है। सो क्लिफ कार रोक लेता है, मगर सिडनी को ये पसंद नहीं आता, और वो उस लड़की से बहाना बनाने लगती है कि वे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। अब ये सुन उस लड़की का बॉयफ्रेंड केल उनके साथ जाने से मना कर देता है। वैसे केल कोई और नहीं, अपने थोर भैया हैं। सो केल के मना करने के बाद अब क्लियो को भी ना चाहते हुए कार से उतरना पड़ता है। अब आगे जाकर फाइनली दोनों क्लिफ और सिडनी हाइकिंग करना शुरू करते हैं, और जब वे एक काफी ऊंची और खतरनाक जगह को पार कर ही रहे थे तो सिडनी गलती से वहां फिसल जाती है, और वो इतनी ऊपर से नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी एक और हाइकर निक उसे सही समय पर गिरने से बचा लेता है। अब निक उन्हें बताता है कि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ हाइकिंग करने आया है, जहाँ क्लिफ भी अपने बारे में उसे बताता है कि वो एक स्क्रीन राइटर है और उसकी अभी अभी सिडनी से शादी हुई है। सो दोनों हनीमून पर यहाँ शहर के शोर से दूर गहरे जंगलों में हाइकिंग करने आए हैं। अब बात करते हुए उन्हें कुछ लड़कियां भी मिलती हैं, जो कि उन्हें बताती है कि अभी अभी उन्हें पता चला है कि पिछले कुछ समय से यहाँ जंगलों में हाइकिंग करने आए हुए लोगों को कोई मार रहा है, और चूंकि यहाँ उनके फोन्स में नेटवर्क भी नहीं आता तो वे सब यहाँ से जा रही है। अब ये सुन सिडनी को भी डर लगता है, मगर उन्हें लगता है कि ये कोई अफवाह है और उन्हें एक अफवाह के कारण अपना हनीमून खराब नहीं करना चाहिए। और तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ निक उन्हें एक वॉटरफॉल तक ले जाता है और उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड जीना से मिलवाता है, और यहाँ से चारों में दोस्ती होती है, जहाँ सिडनी भी उनके साथ वॉटरफॉल में नहाने चली जाती है। वहीं क्लिफ पास में ही जाकर फोन के सिग्नल्स ढूंढने लगता है, और उसे सिग्नल्स एक जगह पर मिल भी जाते हैं, जहाँ वो सर्च करता है कि क्या जो वे लड़कियां मर्डर्स के बारे में कह रही थी कहीं वो सच तो नहीं, और वो पाता है कि ऐसा सच में है, और ऐसे ही मर्डर्स की कई सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तभी क्लिफ पाता है कि वहां सामने ही केल और क्लियो भी आ चुके हैं। अब क्लिफ कहता है कि क्या वे दोनों उस इंसिडेंट से गुस्सा हैं, क्योंकि वो तो सच में उन्हें लिफ्ट देना चाहता था, मगर केल उससे अजीब तरह से बात करने लगता है, और क्लिफ इससे डर जाता है कि तभी वहाँ निक आता है और क्लिफ को अपने साथ ले आता है। यहाँ सिडनी उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम हुई, जहाँ क्लिफ बताता है कि उन्हें वही कपल केल और क्लियो मिले थे और वे उसे काफी डेंजरस लग रहे थे। तभी उसे उनका सामान रखा हुआ नजर आता है, तो क्लिफ छुपकर उनका सामान चेक करने लगता है, जहां उसे एक लॉयर का कार्ड भी मिलता है, यानी कि वे दोनों जेल से पैरोल पर बाहर हैं। और ये देखने के बाद अब क्लिफ को थोड़ा डर लगने लगता है, और वो सिडनी को लेकर निक और जीना के साथ वहां से आगे निकल जाता है। अब मन बहलाने के लिए वे अपने अपने बारे में बात करने लगते हैं, जहां निक उसे बताता है कि वो एक एक्स आर्मी सोल्जर था जिसे कि एक मेजर एक्सीडेंट के बाद से रिटायर होना पड़ा, मगर वो हाईली ट्रेंड है और अपने पास हमेशा एक चाकू अपनी सेफ्टी के लिए रखता ही है। अब ये देख क्लिफ और सिडनी निक से भी डरने लगते हैं कि कहीं वही तो नहीं है जो कि मैरिड कपल्स को मार रहा है। अब यहाँ से वे और आगे बढ़ते हैं, जहाँ क्लिफ सिडनी को अकेले में बुलाकर उन्हीं सीरियल किलर्स की सीसीटीवी फोटो दिखाता है, जिसमें सीरियल किलर्स एक कपल है मगर उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, तो क्लिफ के अनुसार वो निक और जीना हो सकते हैं। यहाँ सिडनी को शुरू में इस पर भरोसा नहीं होता, मगर वे आगे से निक और जीना से थोड़ा केयरफुल रहने का फैसला करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ना जारी रखते हैं, जहाँ सिडनी कहती भी है कि क्लिफ को अपना हनीमून एंजॉय करना चाहिए और उसे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। वहीं अब तक दिन खत्म होने चला था
और काफी तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। तो चारों वहीं पर एक पहाड़ी पर कैंप लगाने लगते हैं, जहां निक बता रहा था कि कैसे वो हमेशा से आने वाले खतरों के लिए तैयार रहता है। मगर अब ये सुन क्लिफ को लगने लगता है कि निक उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ देर बाद दोनों यहाँ से खाने के लिए जंगल में शिकार करने जाते हैं, जहाँ निक क्लिफ को कहने लगता है कि उसने फील किया है कि क्लिफ और सिडनी को लगता है कि वे ही किलर है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सुनने के बाद क्लिफ को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है और यहाँ से दोनों अलग अलग होकर शिकार करने जाते हैं। लेकिन इसी बीच क्लिफ को पास में ही केल और क्लियो का एक कैंप भी दिख जाता है, जहाँ क्लिफ उन्हें देख ही रहा था कि पीछे से कोई उसे पकड़ने आता है, जिससे डरकर क्लिफ उस पर ही अटैक कर देता है। मगर ये कोई और नहीं बल्कि एक गाइड था, और वो बताता है कि जब क्लिफ और सिडनी उनके स्टोर पर आए थे तब वे वहाँ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गए, सो वो तो उन्हें वहीं लौटाने आया था। अब क्लिफ उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, जहाँ से गाइड क्लिफ के डॉक्यूमेंट्स उसे वापस देकर चला जाता है। वहीं निक ने अब तक शिकार कर लिया था, तो क्लिफ वापस से कैंप में आकर सिडनी को बताने लगता है कि कैसे उस कपल केल और क्लियो ने उनके पास में ही कैंप लगाया है, और क्या हो अगर वे दोनों ही किलर्स हो और आज रात उन्हें मार दें। वहीं उसे तो अब निक और जीना पर भी शक होने लगा है, तो सिडनी कहती है कि ठीक है वे बीच तक निक के साथ जाएंगे और फिर उनसे अलग हो जाएंगे। और अब इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अब अगली ही सुबह उनकी आंख एक पुलिस हेलीकॉप्टर से हो रही अनाउंसमेंट से खुलती है। यहाँ क्लिफ निक से पूछता है कि पुलिस यहाँ क्यों आई है, मगर उसे भी कुछ नहीं पता था। और तभी वे पाते हैं कि पुलिस यहाँ केल और क्लियो को अरेस्ट करने आई है, और यहाँ से पुलिस को उनके बैग से कई सारे लोगों के दांत भी मिलते हैं, यानी कि अभी तक कपल्स को जान से मारने वाले यही दोनों थे। सो पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले जाने लगती है। वहीं क्लिफ और सिडनी अब काफी ही खुश थे, और अब वे फाइनली बिना किसी डर के अच्छे से हाइकिंग एंजॉय कर सकते थे। सो यहाँ से अब वे काफी एंजॉय करते हुए खूबसूरत पहाड़ों से होकर जाने लगते हैं, और फाइनली उस अकेले शांत बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां उनके अलावा सिर्फ दो चार लड़कियां और थी। अब यहां से क्लिफ निक को अकेले में बोटिंग करने को कहता है, हालांकि निक उसे मना कर रहा था, मगर क्लिफ कहता है कि अभी तो उनकी दोस्ती हुई है तो उन्हें कुछ वक्त अकेले में बिताना चाहिए, और दोनों यहां से बोटिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं जीना चूंकि अकेली ही थी तो वो सिडनी का कैमरा लेकर उसमें फोटोज लेने लगती है, जहां से वो पिछले कुछ खींचे गए फोटोज को चेक कर रही थी, और यहीं पर उसे एक ऐसी फोटो दिखाई देती है जिसे देख जीना पूरी तरह से हैरान थी, और वो जल्दी से चिल्लाकर निक को वापस बुलाने लगती है। मगर निक अब तक बोटिंग करते हुए कुछ ज्यादा ही दूर निकल गया था, जहां जीना की आवाज नहीं पहुंच पाती। यहाँ से जीना निक को फोन करने की भी कोशिश करती है, मगर यहाँ बीच पर नेटवर्क भी नहीं था। अब यहाँ से उसे पता था कि निक और क्लिफ कहाँ बोटिंग करके जा रहे हैं, तो वो एक कुल्हाड़ी उठाकर वहीं भागने लगती है। वहीं सिडनी पाती है कि जीना ने उनका कैमरा देख लिया था और उसने उनकी सच्चाई जान ली है, और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल कैमरे में जिस क्लिफ और सिडनी की फोटोज थी वे ये दोनों नहीं बल्कि कोई और दो अलग लोग थे, यानी कि अब तक जितने भी मर्डर्स हुए थे वे सब किसी और ने नहीं खुद क्लिफ और सिडनी ने ही किए थे। अब वो क्यों और किस लिए हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। अब सिडनी यहाँ से जीना का पीछा करने लगती है। वहीं निक और क्लिफ अब काफी दूर तक आ गए थे, जहाँ निक अब बोट एक जगह पर रोककर रिलैक्स करने लगता है, मगर तभी क्लिफ कहता है कि निक ने उसे कहा था कि वो खतरों के लिए हमेशा तैयार रहता है, मगर वो इतना भी स्मार्ट नहीं है जितना कि वो खुद को समझता है, और ये कहकर वो उस पर गन पॉइंट कर देता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि कैसे वे सीरियल किलर हमेशा से क्लिफ और सिडनी ही थे, और ये तो उनका असली नाम भी नहीं है। दरअसल दोनों मिलकर नए नए मैरिड कपल्स जो कि बाहर घूमने आए होते वे उन्हें जान से मार देते, और उसके बाद उनका सामान लूटकर उनकी आइडेंटिटी खुद ले लेते, और पुलिस को डेड बॉडीज की आइडेंटिटी का पता ना चले इसके लिए उनकी उंगलियां काटकर फेंक देते, और साथ ही उनके दांत भी निकाल लेते। और यहाँ उन्होंने एक दिन असली क्लिफ और सिडनी को मारा,
और फिर उनकी आइडेंटिटी लेकर उनकी जगह पर यहाँ हनीमून पर आ गए। वहीं केल और क्लियो को भी फंसाने वाला क्लिफ ही था और उसी ने मौके का फायदा उठा। उस वक्त उसके बैग में दांतों का बॉक्स रख दिया था और उसी ने उस गाइड को कहकर पुलिस को भी बुलवाया था ताकि उन पर से शक हट जाए और वे बाद में निक और जीना को मारकर उनकी आइडेंटिटी ले लें। वहीं जब वे अकेले थे, सिडनी उससे कहती है कि उसे ये आइडेंटिटी पसंद है, सो उन्हें अभी निक और जीना को नहीं मारना चाहिए। मगर क्लिफ कहता है कि वो रुक नहीं सकता और उन्हें लगातार आइडेंटिटी बदलते रहना है। वहीं अब प्रेजेंट में क्लिफ निक को गोली मार देता है, जहां उसका ध्यान ऊपर जीना पर जाता है और वो उसे भी शूट करने लगता है, मगर किसी तरह से जीना गोलियों से बच जाती है। मगर अब तक वहां सिडनी आ चुकी थी और वो जीना पर अटैक कर देती है और यहां दोनों लड़ने लगते हैं। मगर यहां जीना किसी तरह से बचते हुए सिडनी को नीचे पानी में गिरा देती है और जल्दी से पुलिस को फोन करने लगती है, जहाँ फॉर्चुनेटली फाइनली उसका कॉल पुलिस ऑफिसर को लग जाता है और वो उन्हें जल्दी से मदद के लिए बुलाने लगती है। वहीं वो पाती भी है कि सिडनी कहीं बोट लेकर जा रही है। वहीं क्लिफ अचानक से उस पर अटैक करता है, मगर जीना किसी तरह से उससे बचती है, जहां वो देखती है कि क्लिफ पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। सो जीना उसे रोकने के लिए उसके हाथ में एक चाकू गाड़कर वहां से भागने लगती है, मगर यहां से भी क्लिफ नहीं रुकता और जीना का पीछा करने लगता है। वहीं अब नीचे निक मरा नहीं था और गोली सिर्फ उसे छूकर निकल गई थी, और चूंकि वो एक एक्स सोल्जर भी है तो वो जीना को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं जीना को भागते हुए कुछ और हाइकर्स भी मिलते हैं, जिन्हें कि वो सब कुछ सच सच बताने लगती है कि कैसे क्लिफ और सिडनी उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। मगर अब तक वहाँ क्लिफ भी आ चुका था और वो उनसे झूठ बोलने लगता है कि जीना मानसिक रूप से बीमार है और इसीलिए ऐसी बातें कह रही है। मगर वे लोग क्लिफ का झूठ पकड़ लेते हैं तो वो खुद को फंसता देख अब क्लिफ उन सबको ही गोली से जान से मार देता है। वहीं जीना उससे बचते हुए भागने लगती है, लेकिन अब क्लिफ जीना को भी शूट करने ही वाला था कि तभी ऊपर से निक आता है और क्लिफ का एक हाथ तोड़ देता है, जिससे कि वो गन ना पकड़ पाए। और यहां से निक अब उसकी गन लेकर उसे ही शूट करने वाला था कि तभी ऊपर से पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है, जिन्हें की सिडनी झूठ बोलकर यहाँ ले आई थी कि निक और जीना ने उन पर अटैक किया। और यहाँ पुलिस देखती भी है कि निक ने क्लिफ को गन पॉइंट पर लिया हुआ है, तो वे निक को ही किलर समझने लगते हैं। वहीं क्लिफ अब यहाँ निक को नीचे कहने लगता है कि निक का फंसना अब तय है, क्योंकि अब वो उसे मार नहीं सकता। वहीं अब तक के सारे मर्डर्स का इल्जाम उसी पर लगने वाला है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स वाली गन अब उसी के हाथों में है। सो निक अब गुस्से में उसे शूट करने ही वाला था कि जीना उसे रोक लेती है और कहती है कि वे पुलिस को सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। वहीं अब ये सब देख सिडनी समझ चुकी थी कि उनका प्लान फेल हो जाएगा, तो वो खुद को बचाने के लिए पुलिस को कहती है कि शायद से क्लिफ ही असली किलर है, जो कि अभी भी गन उठाने की कोशिश कर रहा था। और पुलिस यहां से क्लिफ को ही जान से मार देती है और फाइनली निक और जीना वहां से सेफली निकल जाते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा और क्या आपने गेस किया भी था कि वे सीरियल किलर्स खुद क्लिफ और सिडनी ही होने वाले हैं? कमेंट्स में जरूर से बताएं। और अगर आपको ऐसी ही एक और कहानी देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर जाएं, मगर उससे पहले राइट पर दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन को छू लें। थैंक यू।